अस्सलाम वालेकुम, हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी सीरीज़ का। पहले मैंने थोड़े से बेसिक सेट किए थे। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिराज नसीर साहब, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और हमारे एआई विंग को लीड करते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूं। दो तरह के लोगों को हमने एम्पावर करना है, वो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाना है, और वो लोग जो टेक्निकल हैं वो चैट जीपीटी 3.5 की एपीआईस को यूज़ करके नई चीज़ें कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक टीज़र दिखाता हूँ कि इवेंचुअली जो है इसी सीरीज़ में हम आपको कहाँ तक ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड शो व्हाट वी कैन डू, व्हाट दे विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ओके जी, अब हम प्रेजेंट करेंगे एक बिल्कुल बेयर बोन सी एप्लीकेशन जिसमें आप सेंटिमेंट एनालाइज कर सकते हैं और ये सारी की सारी आप अपने कंप्यूटर पे टेस्ट कर सकते हैं। इसी किसके लिए कोई जीपीयू, कोई हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं, सिंपल कंप्यूटर भी चलेगा। ग्रेट, लेट्स डू इट। सो टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालाइजर, जी सर बताएं। डॉक्टर साहब, कोई टेक्स्ट बोले इरफान। आई लव क्रिकेट लिखा हुआ तो था। आई लव क्रिकेट, लेट्स सी हाउ मच जीपीटी 3.5 टर्बो लव्स इट। ओके, ओह इट लव्स इट। मैं अगर अब एक्सप्लेन कर दूं यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पे ये हुआ है कि अभी जो आपने देखा, एक छोटा सा हमने मैसेज भेजा और जवाब आया, तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस करता है कि जो आपने बोला वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। अब इसमें सीखेंगे क्या कि एक एपीआई हिट हो रही है। अब हम जाके चैट जीपीटी का इंटरफेस यूज़ नहीं कर रहे, बेसिकली हम उसके मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग एपीआईज। एपीआईज के कॉन्सेप्ट मैंने बताया, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ यही 3-4 स्टेप्स हैं कि इनपुट देना, एपीआई इस्तेमाल करके मॉडल से बात करना, रिस्पांस लेके आना और रिस्पांस डिस्प्ले कराना। डॉक्टर साहब, इन 4 से 5 एक्शन पे आप लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। Exactly. लाखों डॉलर के, अभी आप कर भी रहे होंगे। Exactly, निकल गया आपका। लाखों डॉलर के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और सिर्फ इन चीज़। और मजे की बात ये है कि ये स्टार्ट हो रहा है अभी, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एआई। मतलब एआई का समर नहीं होता जिसमें दबा के फ्रूट्स आते हैं मजे मजे के, एंड सो ऑन। देयर आर सो मच पॉसिबिलिटीज। इतना काम है अल्लाह के बंदों कि अगर आप 6-8 महीने साल लगा दो इस टेक्निकल चीज को समझ के, और आपको बिजनेस जनरेट करना आता है, कम्युनिकेशन अच्छी और सेल करना आता है, आप 1 से 1.5 साल में 10 साल का कमा के पासे हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब थोड़ी लिमिटेशन होती है इनकम और जनरेशन, मैं बताने के हक में नहीं होता हूँ कि वो थोड़ी ब्रैगिंग लगती है, बूस्टिंग लगती है कि यार देखो अपनी कमाई बता रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर अगले 10 साल का कमा सकते हो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्यों डॉक्टर साहब, जितना मर्जी इसको इम्प्रूव करें। कल जब हमारी क्लाइंट से बात हो रही थी, उसने सवाल किया कि जब APIs इम्प्रूव होंगी, GPT इम्प्रूव होगा, तो क्या हमें हमारे सिस्टम दोबारा से बनाने पड़ेंगे? तो मैंने क्या जवाब दिया था उसको? नहीं, बिल्कुल नो भी नहीं। और उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ मॉडल का एंड पॉइंट चेंज करना है। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डर हो जो बिल्डिंग बनाता है, और आप 30-40 साल पीछे चले जाओ। आपको बिल्डिंग का एक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता था, ब्रिक्स हैं, सरिया है, सीमेंट है, बजरी, रेत, जो भी है, और कुछ नक्शे आपको मिलते थे, 3D मॉडलिंग के टूल्स अवेलेबल exactly. होते थे, वो आपको मिलते थे, और कुछ इंटीरियर का सामान मिलता था। आप वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके घर बनाते थे। आज के घर देखो और 30-40 साल पुराने घर देखो। आज घर ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा एडवांस क्यों है? क्योंकि चीज़ें जो है इवॉल्व कर गई हैं, मॉड्यूलर। अभी भी बिल्डर जो है ब्रिक्स इस्तेमाल करता है, अभी भी बिल्डर जो है वो वही चीज़ें इस्तेमाल करता है, अभी भी बिल्डर जो है कॉन्ट्रैक्ट पर करता है फिनिशिंग का, लेकिन ऑप्शन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बिल्डर की अगर ब्रॉड कैटेगरी देखें, काम पकड़ना, ग्रे स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग का नक्शा बनवाना, बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइन करना, उसको फिनिशिंग भी ले जाना, उसको टर्न की प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा रियल स्टेट में घुस रहा हूँ, उसको टर्न की कहते हैं, तो टर्न की तक उसको लेके जाना, वो उसका ऑपरेशन सेम है, इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें। इसी तरह से जब आप एपीआई सीख जाओगे और किसी सिस्टम के अंदर लगा दोगे, मोस्टली इम्प्रूवमेंट खुद ही हो जाएगी, बाकी पैरामीटर्स आप नए नए आएंगे, आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होंगे जब आप ये सीख जाओगे, अदरवाइज सिर्फ आप तालियां बजा रहे होंगे बार बैठ के, ठीक है। सो डॉक्टर साहब, कुछ डालें एक दो कमेंट्स और, ज़रा इसको चक्कर देने की कोशिश करें।
पहले मैं एक ये डालूंगा, दिस आई डोंट लाइक दिस मूवी, इट्स जस्ट मैं ये तो नेगेटिव कहेगा क्योंकि आई डोंट लिख दिया ना आपने इसके अंदर। ये भी बात सही, सी दैट द सेंटीमेंट इज गिवन टेक्स्ट इज नेगेटिव, कि वो कह रहा है कि जो आप बात कर रहे हो ये नेगेटिव बात है, मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्क्रीन देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं GPT 3.5 टर्बो API से, इसके API ने टर्बो मॉडल है, ये आप GPT 3.5 मॉडल से बात कर रहे हैं। हम यहाँ ने सिस्टम इस तरह से बनाया कि आपको सिखाएं कि ये मॉडल, अब हम कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल से बात कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई बंदा पूछने के लिए आए कि यार मुझे बताओ कि गाड़ी का रेट क्या चल रहा है, आप डिफरेंट शोरूम पे कॉल करके पूछ ले होते हो कि यार आप भी बताओ, आप भी बताओ, तो हर शोरूम अपने इंफॉर्मेशन के लिहाज से आपको रिस्पॉन्स देगा। उस शोरूम को मॉडल समझ लें और आपने जो कॉल की उसको API समझ लें। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो पुराना मॉडल था कुछ हफ्ते पहले से, वो था डेवंची, जो काफ़ी अरसे से था, डेवंची मॉडल था, जो कि हम इसे इंस्ट्रक्ट GPT में होता था। ये भी मैं आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो हमने GPT 3.5 और डेवंची दोनों इस्तेमाल किए, तो अगर इसको हमने ये इनपुट भेजी तो मोस्ट लाइकली उसने भी हमें ये रिस्पॉन्स दिया, थोड़ा डिफरेंट, बट या दैट्स फाइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अच्छा, ये टीज़र है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा वापस आके। सो यहाँ तक हम आपको ले जाएंगे, ये एक छोटा सा टीज़र था जो मैं आपको बताना चाह रहा था हम कहाँ ले जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं भाई ये ChatGPT है क्या, और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आप वो बोलने से पहले ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि एक मार्केट में मलहूबा सा बना हुआ है। ठीक है, नई चीज़ आई है, लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, हर चीज़ ChatGPT नहीं है। ठीक है, ये अब शुरू में मुझे भी नहीं पता चला, हर चीज़ ChatGPT नहीं है। फिर आप जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो फिर हम बात करते हैं GPT के बारे में, सिर्फ समझ लेते हैं खाली GPT है, क्योंकि असल गेम है ही GPT। डॉक्टर साहब, GPT क्या है? देखें, इट ऑल स्टार्ट्स विद न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क की एक खास टाइप जो नेचुरल लैंग्वेज के लिए बहुत कामयाब हुई, वो थी ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर के दो पार्ट थे, एक इनकोडर पार्ट था, एक डिकोडर पार्ट था। लोगों ने कहा कि हम दो पार्ट की जगह अगर एक पार्ट यूज़ कर लें तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने इनकोडर्स जब बहुत सारे उनको कंबाइन किया तो वो BERT बन गया, और जब उन्होंने डिकोडर पार्ट को अलहदा करके उनको स्टैक किया तो वो GPT टेक्नोलॉजी बन गई। अब आपको समझ आए कि डॉक्टर साहब के साथ मैं क्यों बैठता हूँ। आई थिंक आई गॉट कैरिड अवे। डॉक्टर साहब के साथ मैं इसलिए बैठता हूँ, मुझे मेरे लोगों का पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना होता है नीचे, अगर इन्होंने बोलना हो तो बस भी ना। फिर आगे MS की क्लास होनी चाहिए। सो लेट्स गो, GPT मैं आपको समझा देता हूँ। GPT जो है वो आप ये समझ लें कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, सिंपल जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। आप इसको मजीद लेमैन में चले जाएं तो आप ये समझ लें कि ये एक प्री ट्रेन मॉडल है। ठीक है, आप यूँ समझ लो, आप और भी मैं लेमैन लैंग्वेज में ले जाऊं तो आप यूँ समझ लें कि आपने घर में एक मुलाजिम रखना है। ठीक है, जो घर के आपकी इंस्ट्रक्शन भी सुनेगा, इंफॉर्मेशन भी कैरी आउट करेगा, डिफरेंट काम करेगा। या तो आप उस मुलाजिम को कहीं गांव से ले आओ सस्ते पैसों पे और उसको खुद से ट्रेन करो, सालों लगाओ उसकी ट्रेनिंग करो, उसको डेटा फीड करो, उसको रेडी करो, या आप किसी एजेंसी से कहो कि मुझे एक ट्रेंड बंदा दे दे जिसको ये काम भी आता हो, ये काम भी आता हो, ये काम भी आता हो, उसको डेटा फीड हुआ हो, मैं सिर्फ उससे काम लेना शुरू कर दूँ। तो ये वो एक ट्रेंड बंदा है जिस पे सालों और कई लाख करोड़ डॉलर लगे होंगे इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो API जो मैंने आपको टीज़र दिया है, वो है जब हम पाकिस्तान में इससे नई चीज़ें बना सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को हम कभी भी लेंथी नहीं करते। सो GPT का आप कॉन्सेप्ट इनका समझ आया, मेरा वाला समझ आया। सो हम जाएंगे इंशाल्लाह, जब हम AI पढ़ाएंगे तो हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करेंगे, एंड पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन अभी मॉडल है। GPT के बाद GPT का जो मॉडल है ये ट्रेन हुआ था 117 मिलियन पैरामीटर पे, 117 मिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ था। मतलब इसको 117 डायमेंशन में चीजों का पता था, यूं कह रहे हैं, मतलब यूं कह सकते हैं सिंपली। आप जैसे एक बच्चे को 117 चीजें दिखाएं और उसे कहें कि इनमें से आएगा तो तू बता सकता है, तो 117 मिलियन इसके पास थे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इंप्रूवमेंट सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेजर फैक्टर होगा। GPT 2 बताएं जी। GPT 2 जो है वो दैट वॉज एक्चुअली इम्प्रूवमेंट, और वो पहले हम मिलियन कह रहे थे, अब मैंने बिलियन कहना है। 1.2 बिलियन कहना है,
तो इसमें आप यूं समझे कि 1.2 बिलियन पैरामीटर थे, इसका मतलब है कि इसका दिमाग जो है ना 1.2 न्यूरॉन्स से मिलके बना था। वो सारे न्यूरॉन्स आपस में फैसला करते हैं और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होती है, क्योंकि ये सारे इनहेरेंटली जनरेटिव मॉडल हैं, ये चीज़ें जनरेट करते हैं। जैसे इमेज जनरेट कर दिया, टेक्स्ट जनरेट कर दिया, अभी हम सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम GPT-2 कह रहे हैं तो उसमें है 1.2 बिलियन पैरामीटर्स। सो दैट वॉज द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ GPT। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ तक GPT-1 GPT-2 की बात की। पहली बात तो ये कि अब ये दोनों ऑब्सलीट हो रहे हैं, याद रखिएगा ये ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा, ये चैट GPT नहीं थे, ये इंस्ट्रक्ट GPT थे, राइट? इंस्ट्रक्ट GPT, क्योंकि चैट GPT जो है वो सिबलिंग है इंस्ट्रक्ट GPT का। ये इंस्ट्रक्ट GPT था जब मैं पिछले लेक्चर में भी कहा था, कॉम्स सोई हुई थी उस वक्त ना। GPT बहुत पुराना है, चैट GPT भी समझे बहुत पुराना एग्जिस्ट करते, सिर्फ उसको इवॉल्व किया गया है। तो जब आया GPT-3, अब उसके बाद हमारे पास GPT-3 आया, ये भी हम GPT कहें, ये GPT है। अच्छा, और उसके अंदर पैरामीटर्स थे 175 बिलियन। आप देख रहे हैं ट्रेनिंग इम्प्रूव हो रही है, तो वही मुलाजिम अब उसको ज़्यादा चीज़ों का पता है, अब उसको ज़्यादा काम आते हैं, अब वो ज़्यादा स्मार्टर है, वो जो मॉडल है, वो जो मुलाजिम की एग्जांपल दी थी। अभी तक GPT-3 तक भी हम उसको इंस्ट्रक्ट GPT कहते रहे। जी बिल्कुल। अब रिसेंटली जब आया GPT-3.5, एक्चुअली दिस इज द ओनली चैट GPT जिसको आप लीगली चैट GPT कह सकते हैं। चैट GPT इज GPT-3.5, और इसके अंदर पैरामीटर्स अभी तक अनक्लियर हैं कितने उन्होंने इंप्रूव किया, लेकिन एक सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशनरी चेंज उन्होंने की, इसके ऊपर APIs दे दी। सो चंद हफ्ते पहले अगर हम जाएं तो हम यूज कर रहे थे कुछ सालों पुरानी APIs जो कि डेवेंची, बैबेज वगैरह थी, जो हम आप बताएंगे। अब हम आके लेटेस्ट APIs मिली, और यकीन करें इतनी पावरफुल हैं। मेरी कोशिश होगी इस सीरीज में मैं आपको एक दो टीजर दिखाऊं उन प्रोडक्ट्स के जो हमने इन APIs को इस्तेमाल करके बनाया, फिर आपका दिमाग घूमेगा कि दिस इज नॉट जस्ट अ चैटिंग टाइप ऑफ अ थिंग, इट इज मच मोर देन व्हाट वी आर सेइंग, इट्स टिप ऑफ अ आइसबर्ग। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तो GPT-3.5 इज एक्चुअली द चैट GPT विद APIs। APIs का मतलब ये हुआ कि आप इस मॉडल को, इस टेक्नोलॉजी को किसी भी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर लें, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इम्बेड कर लें, कुछ नया बना लें। हमने एक सिस्टम बनाया, मैं आपको डेमो भी दूंगा, कि कोई भी आप लीगल एग्रीमेंट लें, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट लो, बैंक का एग्रीमेंट लो, निकाह नामा ले लो अंग्रेजी का, सो कोई लीगल एग्रीमेंट लें, वो तो हमेशा रिस्की होगा। ये ना क्या, आप घर वाले देख सकते, आप वो एग्रीमेंट हमारे सिस्टम में अपलोड करें, सिस्टम उसको लॉयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ के बताएगा कौन से क्लॉजेज रिस्की हैं, कौन से पार्शली रिस्की हैं, कौन से सेव क्लॉजेज हैं। सो आप देखें कि हमारे यहाँ तो लॉयर ज़रा सस्ते मिल जाते हैं, बाहर एक घंटा बाजू का $10,000 का मिलता है लॉयर का, इतना महंगा होता है। और AI का आप सुन रहे होंगे, AI ने लॉयर बॉट निकाला है, क्या किया उन्होंने, उन्होंने ये APIs यूज़ किए जो हमने भी कर लिए, और वो सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा, वो लॉन्च हो रहा है अभी, उसकी प्रमोशन चल रही है, तो वो रेडी हो जाए, मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। दिस इज़ हाउ यू यूज़ GPT-3.5 APIs। ठीक है, अब आया GPT-4, नया दौर। इसको मल्टी मॉडल क्यों कहते हैं? मल्टी मॉडल ये कि ये डिफरेंट टाइप की इनपुट जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये इमेज भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये वीडियो भी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब मज़े की बात ये है कि जब इसको उन्होंने अनाउंस किया ना, उन्होंने एक तस्वीर दी जिसमें अंडे और चीज़ें थी। उन्होंने कहा, GPT-4 से पूछा, यार इससे क्या बना सकते हैं? उसने पूरी रेसिपी दे के कहा, इससे आप ब्रेड बना सकते हैं। इमेजिन, एक तस्वीर है जिसमें अंडे और मैदा पड़ा है, और GPT-4 उससे ब्रेड बनाने की रेसिपी दे रहा है तस्वीर पढ़ के। आप कह देंगे GPT-4 से कि गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है, मुझे विजुअल्स भी दिखाओ, पिक्चर्स भी दिखाओ, ट्यूटोरियल बना के दो, exactly. आपको बता के देगा कि आपने अपनी गाड़ी का टायर कैसे बदलना है। और हमारी कॉम जाके पूछेगी, हमारी कॉम वो काम जो बंगाली बाबा से लेती थी, आप GPT-4 से लेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाली बाबा वाले सारे काम GPT-4 करेगा। बट एनीहाउ, स्मार्टली यूज़ करें, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, एज ए मैंटोर यूज़ करें, एज ए टीचर यूज़ करें, एज ए इंस्ट्रक्टर यूज़ करें, एज ए
दिस इज द होल न्यू वर्ल्ड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट. अगर उसको बंगाली बाबा बनाना है तो बनाने वो बन जाएगा. ठीक है, हर सिस्टम का, हर टूल का नेगेटिव यूज भी है और पॉजिटिव यूज भी है. आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका पॉजिटिव यूज करें. वीडियो इज टचिंग लाइक 16 मिनट नाउ. तो GPT-4 तक हम पहुंच के GPT का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, GPT 1, 2, 3 बताया, GPT APIs बता दी, API मॉडल के बारे में बता दिया, सारा कुछ हो गया. अब हम अगले लेक्चर में आपको बताते हैं कि GPT-3.5 के इंटरफेस को यूज़ करके प्रॉम्प्ट वगैरह दे के कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.